पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीते 24 अगस्त को गोविंद नगर में फाइनेंस कंपनी के मालिक जय गोपालपुरी की हत्या के मामले में एसओजी और गोविंद नगर की संयुक्त टीम ने दो आरोपी आर्यन और सुधीर शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने लूट के इरादे से हत्या को अंजाम दिया था। आरोपी अक्सर मृतक जय गोपालपुरी के ऑफिस किस्त जमा करने जाया करते थे। घटना से एक दिन पहले दोनों आरोपियों ने जय गोपालपुरी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी थी। चीख पुकार होने की वजह से दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे। डीआईजी ने बताया कि इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। वो अभियुक्त थे जिन्होंने ये घटना को कारित किया। इनमें से एक अभियुक्त जो था वो एक ऑटो जो कि इसी कंपनी के द्वारा फाइनेंस था उस पे एज अ हेल्पर का काम करता था। इनके ऑफिस में कई बार किस्तें जमा करने के लिए आया था। उसको ये अंदेशा था कि इस ऑफिस में क्योंकि कई गाड़ियां फाइनेंस की गई तो कैश का ट्रांजैक्शन यहाँ पे होता है, जिस कारण से अपने एक साथी को लेके उसने ये घटना कारित करने का लूटपाट करने के लिए लूट करने के लिए इस घटना को कारित किया, जिसमें जब वहां पे स्ट्रगल हुई और जब चाकू वगैरह उन्होंने यूज किया तो ज्यादा खून रिसाव के कारण हॉस्पिटल में पहुंचते जय गोपालपुरी की मृत्यु हो गई थी। उसमें